नुकीले धारदार हथियारों से हम लोगों पर हमला किया जब हम अपने मेहमानों को छोड़ने के लिए नीचे गए। पर हमारे पड़ोसी का नाम अमित अग्रवाल है जो कि मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने रहते हैं। ये भाजपा के मंडल महामंत्री हैं तो भाजपा का ही कोई नेता होगा, जबकि मैं भाजपा का पुराना वोटर हूँ, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये हरकत हुई है। पिछले कई दिनों से बड़े तंज कसते हुए आ रहे थे, उसके पीछे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कारण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गौरव गोयल जी के प्रतिनिधि भी रहे। मैं 12 बजे तक पुलिस स्टेशन लेकर इनको बैठी रही, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये कहते हैं कि मेरे बहुत बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, इन्होंने फोन करवा रखे थे, हमारी ना तो मेडिकल सही प्रकार से किया गया। उस दिन मुझे फोन पर उन्होंने अभद्रता करी, मैं गेट पर आया तो मेरे साथ उसने तुरंत हाथ उठाया, उसके निशान आप मेरे चेहरे पे ये देख सकते हैं। एक छोटा सा 16 साल का बच्चा जब मेरे पति के ऊपर चढ़ के उसका सिर फोड़ सकता है तो मैं मेरी बच्चियां कैसे घर में सुरक्षित है। जानलेवा हमला ना मैंने कोई किया है, और अगर ऐसा है तो वो पुलिस उसको सिद्ध करेगी, देखेगी क्या है। सत्ता का रोब दिखाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, जो है कई लोगों के हमारे पास, मतलब मैं ये नहीं कह सकता वो भाजपा के हैं, किसके फोन आते हैं कि आप वो समझौता कर लो। गौरव गोयल के साथ पिछले 3.5 साल मेरा हाईकोर्ट में मुकदमा चला है, क्या पता वो गौरव गोयल के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहे हो। मेरा नाम पारुल गोयल है, मैं अनु कुमार जी की पत्नी हूँ, हम लोग यहाँ गीतांजलि विहार में रहते हैं। मेरे सामने रहने वाले पड़ोसियों ने परसों 22 अगस्त को मेरे पति का जन्मदिन था, जिसकी वजह से कुछ मेहमान आए हुए थे, उनकी नीचे बाइक खड़ी हुई थी, उसी को लेकर के उन्होंने इतना तगड़ा झगड़ा किया कि बाइक, और उन्होंने डंडा, वाइपर, नुकीले धारदार हथियारों से हम लोगों पर हमला किया जब हम अपने मेहमानों को छोड़ने के लिए नीचे गए। मैं बीच में जब हाथ जोड़ती रही, भाई साहब प्लीज़, भाई साहब नहीं, भाई साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी पर धकेल दिया, मेरे कपड़े भी थोड़े फट गए थे। मैं 12 बजे तक पुलिस स्टेशन लेकर इनको बैठी रही, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, हमने इनके मेडिकल कराई। अगले दिन में 4 बार मुझे पुलिस थाने के चक्कर, तब जा करके मेरी एफआईआर दर्ज हुई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये बोलता है कि क्या बिगाड़ लोगे एफआईआर करके, मेरे तो मुख्यमंत्रियों से संबंध है, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। अब मैं वापस नीचे घर से उतरते हुए हमें डर लग रहा है, मेरे छोटी छोटी बच्चियाँ सहमी हुई हैं ट्यूशन पर। हमारे पड़ोसी का नाम अमित अग्रवाल है जो कि मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने रहते हैं, उनकी पत्नी ने, उनके बेटे, पत्नी का नाम पायल अग्रवाल है, बेटे का नाम रुद्र है। एक छोटा सा 16 साल का बच्चा जब मेरे पति के ऊपर चढ़ के उसका सिर फोड़ सकता है तो मैं मेरी बच्चियां कैसे घर में सुरक्षित हैं। मेरे पति भाजपा में बहुत समय तक कार्यकाल में उनका सहयोग करते हर एक चीज़ों में, लेकिन हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही, कोई हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं, उल्टे पुलिस हमें ही फ़ोन कर करके थाने पर बुलाया, अभी तक यहाँ पर आकर उसने एक बार जांच नहीं की। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, सारा वाक्य कैद है, लेकिन अभी तक उन पर, उनकी रसूख के बल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि उनको उचित कार्रवाई हो, बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई हो, उनको उचित दंड मिलना चाहिए, जिससे ऐसी घटना दोबारा कोई करने से पहले सोचे। जी मेरे पति का जन्मदिन था, 2 साल पहले इनके बच्चे का जन्मदिन था, हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए इनके मेहमानों के लिए, लेकिन मेरे पति का जन्मदिन था, 4 मेहमान, बाइक गली के बाहर खड़ी थी तो इन्होंने उसके ऊपर इतना झगड़ा किया, सिर तक फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ये कहाँ की इंसानियत है। हमारे मेहमान भी हाथ जोड़कर इनको मनाते रहे, बीच बचाव करते रहे, सभी आप लोग रिकॉर्डिंग में देख सकते, लेकिन मगर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। भाई साहब मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी इन्होंने हरकत की है वे हर प्रकार से किसी भी संदर्भ में देखा जाए तो अमानवीय है और बिल्कुल हत्या की साजिशन के तहत की गई है, तो इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा की जानी चाहिए। कल को ये हमें धमकी दे रहे हैं, यहाँ से बाहर गाली गलौज करते हुए सड़क पे जाते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ में फ़ोन पे बात करते हुए जाते हैं कि मैं, मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरा क्या कर लोगे। अब पुरानी रंजिश है क्या आपकी इनके साथ? पुरानी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन देखिए हमारी सड़क छोटी है, जब छोटी सड़क होती है तो ऐसे में मोहल्लेदारी में आपस में सहयोग करना चाहिए। अभी का मैं वाकया बताता हूँ, परसों के जन्मदिन के वाक्य पे मैंने आपको बता ही दिया उन्होंने क्या घटना करी, जबकि कोई हमारी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं की गई थी कि ऐसी मारपीट की जाए। 2 साल पहले इनके बेटे का जन्मदिन था, यहीं सड़क पर ही टेंट लगा हुआ था, मैंने अपने घर के पूरे गेट खोल दिए, अंदर तक इनके मेहमान बैठे हुए थे कि भाई साहब आप आराम से यूज़ करो स्थान, देखो मोहल्ले क्या होता है, मोहल्ला परिवार होता है। क्या सत्ता का रोग दिखा रहे हैं?
बिल्कुल सत्ता का रोब दिखाया जा रहा है भाजपा की तरफ से जो है। कई लोगों के हमारे पास, मतलब मैं ये नहीं कह सकता वो भाजपा के हैं किसके हैं, फ़ोन आते हैं कि आप वो समझौता कर लो, मतलब इसका मतलब तो ये है कि आप किसी को भी पीट लो, उसकी पत्नी को गाली गलौज कर लो, बच्चों को डरा लो, धमका लो, और उसके बाद हमारे पास हमारे ऊपर ही मतलब जो है आप वो करोगे कि भैया समझौता कर लो नहीं तो हम तुम्हारे साथ गलत कर देंगे। मेडिकल रिपोर्ट में भाई साहब उन्होंने किसी बड़े नेता के दबाव में, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे बहुत बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, इन्होंने फ़ोन करवा रखे थे हमारी, ना तो मेडिकल सही प्रकार से किया गया। मैं कहता रह गया कि भाई साहब हाथ में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसका, आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि एक्सरे करवाओ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप बाहर जाके करवाते रहना। जी भाई साहब आप ये बताइए कि अगर हम बाहर जाके एक्सरे कराएंगे तो क्या इसकी वैल्यू होगी उस रिपोर्ट में? मैं देखिए मैं मेरे को नाम के बारे में जानकारी नहीं है कि किस नेता के ये संपर्क में रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये भाजपा के मंडल महामंत्री हैं तो भाजपा का ही कोई नेता होगा, जबकि मैं भाजपा का पुराना वोटर हूँ, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये हरकत हुई है तो मुझे लगता है कि आम आदमी तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि जो भी हमारे साथ ये अन्याय हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि अभी तक ना तो कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ पे हमसे भी बात करने नहीं आया, ना मोहल्ले में जाँच पड़ताल करने आया, ना ही वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने आए हैं। मेरे हिसाब से वो इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे 5-7-10 दिन हो जाएं और सारे सबूत जो है नष्ट हो जाएं। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है पूरी, हमारे पास हर चीज का सबूत है, हमारे पास गवाह भी अवेलेबल हैं जो कि जिनके सामने मारपीट की गई है। मेरे पड़ोसी के साथ आज से 2 दिन पूर्व बृहस्पतिवार की शाम को एक घटना हुई है। जब मैं 8:30-9 बजे के लगभग अपने व्यापार से वापस लौटा तो गली में कहीं भी रास्ता नहीं था। मैंने उनको आवाज़ लगाई, उन्होंने ऊपर छत पे से ही बड़ी अभद्रता से मुझे कहा कि अभी 15-20 मिनट रुक जाओ। तो मैं जहाँ बाइक थी वहीं खड़ी करके वापस अब मतलब दूसरे की सीढ़ियों पर कुछ चढ़ता हुआ अपने घर चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद कपड़े ही बदले थे, हाथ मुँह धोया था, सुबह से थके हुए थे, खाना वाने की प्लेट सामने आई तो इतने में उनका फ़ोन आता। मैंने उन्हें कहा कि 10-15 मिनट रुक जाइए, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे ही अभद्रता शुरू कर दी। अब वो पिछले कई दिनों से बड़े तंज कसते हुए आ रहे थे, उसके पीछे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कारण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गौरव गोयल जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं और मैं प्रदीप बत्रा जी का प्रतिनिधि रहा हूँ, वर्तमान में भाजपा का नगर महामंत्री हूँ मंडल का। तो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक विषय भी मुझे उनकी बातचीत के रवैये से लग रहा था। उस दिन मुझे फ़ोन पर उन्होंने अभद्रता करी, मैं गेट पर आया तो मेरे साथ उसने तुरंत हाथ उठाया, उसके निशान आप मेरे चेहरे पे ये देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हॉट टॉक जो पड़ोसियों में होती है उतनी हॉट टॉक हुई है, जानलेवा हमला ना मैंने कोई किया है, और अगर ऐसा है तो वो पुलिस उसको सिद्ध करेगी, देखेगी क्या है, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये है। रात को वो सकुशल अपने आप घर में अंदर गए और सुबह जब मैं अपनी पुत्री को 6:30-7 बजे माउंटफोर्ट की बस में बैठा के आया, तब उनकी बच्चों का रिक्शा का समय होता है, वो मीठी माई को बाय बाय करते हुए गेट तक आए, तब भी वो स्वस्थ थे। आप उनका जन्मदिन मिठाई के साथ मना सकते हैं, लेकिन आपने तो मारपीट के साथ मनाया। देखिए मेरा पड़ोसी है और पुरानी कहावत है घर के दूर पड़ोसी नेड़े, ये
देखिए जब दो पड़ोसी होते हैं कहीं ना कहीं हॉट टॉक भी हो जाती है, कोई ऐसा विषय नहीं है, पर ये उनको अब किस कारण से वो बढ़ा रहे हैं, क्या इसके पीछे राजनीतिकरण है वो मुझे नहीं पता। उनको जो चोट लगी है बहुत ज़्यादा लगी हुई है, किस तरीके से? भाई साहब वो पट्टी मैंने भी देखी है, मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, वो जांच का विषय है अपने आप में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रात को वो सकुशल अपने घर में गए, सुबह अपने बच्चों को छोड़ रहे थे तो बाय बाय कर रहे थे, तब भी उनके माथे पर कोई पट्टी नहीं थी, लेकिन अगले दिन दोपहर बाद उनके माथे पर पट्टी आई है, अपने आप में जांच का विषय है, उसकी जांच होनी चाहिए गंभीरता से। इनकार होता है कि आप बीजेपी के मंडल महामंत्री हैं, आप उन्हें रोड दिखा रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। भैया भारत संविधान से चलता है और संविधान पर सबका समान हक है। कहने वाली बातें तो ये है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, वो गौरव गोयल के प्रतिनिधि रहे, गौरव गोयल के साथ पिछले 3.5 साल मेरा हाईकोर्ट में मुकदमा चला है, क्या पता वो गौरव गोयल के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहे हो, ये कौन सा विषय हुआ? अब मैं अपने आप आकलन लगाऊं, ये तो कोई विषय नहीं है, ये तो पुलिस जांच करेगी। अच्छा एक चीज़ और है सर, जैसे उन्होंने वो कह रहे हैं कि भाई थाने भी गए, उन्होंने रिपोर्ट लगाने की कोशिश की, क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश हुई? देखिए जहां तक उनके थाने जाने का विषय है, मैंने भी अपनी एक मारपीट की नॉर्मल दी हुई है, पर मेरी भी अभी तक रिपोर्ट कोई लिखी नहीं गई। अब मैं किस पे आरोप लगाऊं, मैं तो सत्ता पक्ष का ही हूं, क्योंकि मेरा कोई FIR कराना उद्देश्य नहीं है, पड़ोस में अक्सर होती रहती है, वो सूचना मात्र मैंने वहां दी हुई है, बात खत्म हो गई, अब ये मैं किस पे आरोप लगाऊं? आपने कोई रोब गालिब नहीं दिखाया? भाई साहब रोब गालिब से अपनी बिरादरी के एक व्यक्ति पे मैं रोब गालिब क्यों करूंगा, बिरादरी का व्यक्ति है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हॉट टॉक हुई है, हाथापाई हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई रोब गालिब करना है या उसको जान से मारने की घटना, ऐसा कोई उद्देश्य ना पहले था ना आज है और ना आगे होगा।